Lactic acid threshold is one of the most trainable parameters. So because build up exceeds clearance, the overall acidity of the muscle keeps on increasing to a point where it becomes so acidic that you can't continue the activity. Lactate is good, lactic acid is bad. The threshold at which lactic acid buildup exceeds lactic acid clearance. Sprinting, 100 meter sprint. Usme, the second ke niche, all out, ultra high intensity aapko energy.

मिनिमल 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 है, है, तो है, रेस्पिरेशन तो लैक्टिक एसिड बिल्डअप और लैक्टिक एसिड बिल्डअप मिनिमल है तो आप वो सस्टेन कर पाएंगे दो घंटा चार घंटा पांच घंटा दस घंटा बेसिक जोन है जिसमें आपका लैक्टेट लेवल बेसलाइन पे रहेगा और ऑलमोस्ट एंटायरली सारी की सारी एनर्जी आपकी एरो में आपका VO2 नहीं पहुंचा है जेनरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एक्सिड क्लियरेंस ऑफ लैक्टिक एसिड मीन सोना वर्ल्ड क्लास एथलीट एटर्स पर केजी पर मिनिट आई मेजर माइ वियो टू मैक्स लास्ट मंथ अबाउट फिफ्टी टू अभी जोन फाइव वन मिनिट ऑन मिनट ऑफ वन मिनिट ऑन मिनट ऑफ एच आई जिसमें एनोरोबिक लाइकोलिस तो यूज ही नहीं होता पूरा का पूरा फॉस्फोजन क्रिएटिन फॉस्फोट पाथवे यूज होता है एनोरोबिक ही है वो भी एनोरोबिक है लेकिन वो नॉन ग्लाइकोलिटिक पाथवे है उसमें का टाइम ही नहीं है बिकॉज आप ऑल आउट इंटेंसिटी कर रहे हैं एक सिंपल इक्वेशन से कैलरी डेफिसिट नहीं होता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग के थ्रू लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड बढ़ेगा अभी अगर मैं एक एलिट साइक्लिस्ट को लूंग एक एमोच्योर को लू और उसको मैं बोलू तुम पर्टिकुलर वर्क आउटपुट पे साइकिलिंग करो एमोच्योर साइक्लिस्ट का लैक्टेट लेवल फट करके बढ़ जाएगा जो एलिट साइक्लिस्ट है

Training, which is why today's cricketers you'll see are very well built, very muscular. They almost look like bodybuilders.